ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण का काम करना हो, किसी पर मोहिनी लगानी हो, कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कोई आवेश में आकर आपसे दूर चला गया हो, कोई आपकी अवहेलना कर रहा हो, या आप किसी को अपने समीप लाना चाहते हो, किसी से आप आकर्षित हो गए हों, उसको अपने वश में करना हो, तो इस प्रयोग को आप भली भांति कर सकते हैं। ये इतना कारगर है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है, और ये लाखों लोगों पर प्रयोग करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल, कोई भी इसे कर सकता है। तो अभी कुछ दिनों में जो है माँ भगवती के नवरात्र आ रहे हैं, तो उसमें यदि आप इसको करते हैं तो ये आपको बहुत शीघ्र अतिशीघ्र असर दिखाएगा। माफ कीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि एक भोजपत्र कहीं से भी एकत्रित कर लीजिए, और आपको जो यंत्र स्क्रीन पर दिख रहा है उसको उस भोजपत्र पे गूगल से बनाइए। गूगल से बनाने के बाद आपको वो यंत्र किसी पेड़ पर टांग देना है, कोई भी पेड़ हो उस पर टांग दीजिए। और इसका एक और प्रयोग है, इसी यंत्र को यदि आप किसी के तकिए के नीचे रख देते हैं जिसको भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये अपना काम भली भांति करता है। अगर तकिए के नीचे आप ना रख पाएँ, व्यक्ति कहीं दूर रहता हो, तो उस स्थान पर आप किसी पेड़ पर इस यंत्र को टांग सकते हैं, और जैसे जैसे ये यंत्र हिलेगा वैसे वैसे आपके साथी के अंदर वो भावनाएं प्रकट होनी शुरू होंगी और वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये इतना कारगर है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। आपने अभी किया और शाम तक आपको इसका असर दिख जाता है। बहुत सी ऐसी क्वेरीज भी आती हैं जिनमें कि असर नहीं दिखता है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अपनी क्रिया पर ध्यान दें और अपने विचारों पर ध्यान दें, कहीं ना कहीं तो त्रुटि हुई होगी। तो यदि आप चाहते हैं इसको करना, तो आपको स्क्रीन पर जो यंत्र दिख रहा है इसकी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल ऐसा ही बनाइए, और इस यंत्र के पीछे अपने पति का, अपने साथी का नाम लिखिए, और जो भी आप चाहते हैं वैसा सोचते हुए इस यंत्र को बनाना शुरू कीजिए। यंत्र निर्माण के समय इस यंत्र में कुछ ऐसी शक्तियाँ आती हैं जो कि आपका काम बनाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप इस यंत्र को बनाएं तो आपके आसपास कोई ना हो। एकांत में जाएं, किसी गुफा में, किसी आसपास के किसी जंगल में जाएं, किसी ऐसे वीराने में जाएं जहाँ पर कि किसी का आवागमन ना हो, बस आप ही हों। क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये एकांत में आती हैं। यदि आप किसी तीन चार के ग्रुप में बैठकर ये बनाएंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब भी आप इसको बनाएं तो एकांत हो, दूर दूर तक कोई ना हो, और उसके बाद देखिए किस तरह से आपके कार्य पूरे होते हैं। इसको बनाने की अपनी ही विधि है। सबसे पहले आपको लाल कपड़े पहन लेने हैं। लाल कपड़े पहनकर अपने माथे पर एक तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, कोई भी तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद जो आसन है वो लाल रंग का होना चाहिए, ऊनी आसन हो या मृग चर्म अगर आपको कहीं से मिल पाए तो यूँ समझिए कि आपका काम बन ही गया। मृग चर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं मिलती है तो फिर हम ऊनी आसन यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि पूर्वमुखी होकर, पूर्वमुखी का मतलब है जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ अपना फेस करके फिर इसको बनाना शुरू कीजिए। और इसको बनाते हुए सिर्फ एक ही बात मन मस्तिष्क में आनी चाहिए कि जो भी साध्य है वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और ऐसा करते हुए यदि आप इसको बनाते हैं तो समझिए ये आपका आधा काम पूरा हो चुका है। अब इस भोजपत्र को अपने साथी के तकिए के नीचे रख दें, और जब सुबह हो तो उसको हटा लें। ऐसा 21 दिन तक करें और फिर देखें किस तरह से आपके बीच में जो दूरियाँ हैं वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। अगर साथी कहीं दूर रहता हो तो इसको पेड़ पर लगाया जा सकता है। पेड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि तंत्र में बहुत ही प्रयोग में आते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़। अगर पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छा है। अनार का पेड़ हो,
और नीम का पेड़, ये तीन पेड़ ऐसे हैं जो कि आपको पूर्णतः रिजल्ट देंगे। इन तीन पेड़ों पर लगाइए और जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे आपको असर दिखना शुरू होगा। यंत्र को बनाने के लिए शाही आपको लेनी है चंदन की या हल्दी की या गूगल की, ये तीन जो है इनको आप या तो मिश्रण बना लीजिए या फिर अगर एक चीज़ है तो उससे बना सकते हैं। आपको ये भोजपत्र पर बनाना है, भोजपत्र पर शुक्रवार के दिन, बुधवार या गुरुवार, इन तीन दिनों में आप बना सकते हैं। अगर शुक्रवार को करते हैं तो बहुत अच्छा है। बनाने के बाद आपको इसको धूप दीपक दिखानी है, कुछ मिठाई चढ़ानी है और यंत्रराज से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर कि हे यंत्रराज, मेरी ये समस्याएं हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए और आप मेरा जो एक कार्य है इसको सिद्ध करें। और इसी कामना के साथ मैंने आपको बनाया है और जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। और इसके बाद प्रणाम करके इनको पेड़ पर टांग दीजिए और आप देखेंगे कि एक नाटकीय रूप से आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति सालों से फ़ोन नहीं कर रहा था उसका मैसेज आना शुरू हो जाएगा, वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। बहुत ही चमत्कारी अति गोपनीय तंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी सारी डिटेल्स आपको sirstops.com पे मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप इस यंत्र को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और इसको क्लिक कीजिए तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसको डाउनलोड करके आप इसकी फ़ोटो स्टेट भी कर सकते हैं। अगर भोजपत्र ना मिले तो आप किसी सफ़ेद पन्ने पर भी इसको बना सकते हैं। जो सटीक काम करेगा वो है आपका विश्वास। यदि ऊपरी मन से इसको करोगे तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा। अगर गुरुजी कुछ चीज़ देते हैं तो उसको यूँ समझिए कि भगवान के मुख से ही निकला हुआ वाक्य है, क्योंकि अगर गुरु ने कुछ कह दिया उसकी आप अवहेलना करते हैं तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको अपना मन मस्तिष्क एक जगह पर लगाकर फिर इस यंत्र को बनाना है और बनाने के बाद चमत्कार स्वतः ही आपको दिख जाएंगे। बस इस यंत्र को बनाइए और किसी भी पेड़ पे लगा दीजिए तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके कुछ नियम हैं जो कि आपको 21 से 41 दिन तक पूरे करने होंगे। इन 41 दिनों में आपको मांस मछली अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना है। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है और प्रभु की भक्ति में आराधना में लग जाना है। जितना आप इसमें लीन रहेंगे उतना ही इसका असर बढ़ता रहेगा। प्रभु का इसमें अगर आशीर्वाद आ गया तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर रिजल्ट 10 दिन में आना होगा तो वो 10 सेकंड में आ जाएगा। तो इसलिए अपना पूरा दिन प्रभु भक्ति में बिताएं, किसी से अधिक बात ना करें, किसी की अवहेलना ना करें और अपने ही धुन में मग्न रहें और इस यंत्र का जो प्रभाव है ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। मांस मदिरा किसी भी तरह का व्यसन जो है, बीड़ी गुटखा सिगरेट, ये सब इन चीज़ों से दूर रहें। इन चीज़ों से आप अगर इनको यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। किसी भी तरह का मादक पदार्थ यहाँ पर वर्जित है। अगर आप किसी भी तरह का मादक पदार्थ यूज़ करते हैं तो उसको इन 41 दिनों में बिल्कुल भी मत छुइएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्जित किया हुआ है ये किसी भी तरह का ये प्रयोग। और जब आप यंत्र बनाएं तो उस समय पर आपको अपने साथ कोई मिठाई रखनी होगी। मिठाई इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साधक जब बना रहा होता है तो उसके सामने शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं और उस समय पर आपको वो चीज़ उन्हें खिलानी होती है। ये बहुत ही विरले ही होता है तो डरिएगा नहीं। अपने साथ एक चाकू रखिएगा, लोहे का चाकू रख कर अपने बनाने से पहले अपने बाहर आप अपने आप को बांध लीजिएगा। बांधने का मंत्र है आप बांध चाप बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध, आकाश बांध पाताल बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध। ये पूरा मंत्र आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा कि गुरु जी रक्षा मंत्र दीजिए तो मैं आपको रक्षा मंत्र दे दूँगा जिससे कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इस घेरे के बीच में जो आपने घेरा बना लिया है अपने चारों ओर उसमें कोई नहीं आ पाएगा। ये वही मंत्र है जो लक्ष्मण ने माँ सीता के लिए बनाया था। उस घेरे के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यदि आप साधना से पहले उससे निकल गए तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो अपना यंत्र निर्माण पूरा कीजिए और उसको
टांग दीजिए किसी पेड़ पर और उसके बाद ही आप जो है वहाँ से निकलें। और ऐसा घेरा बनाइएगा कि जो पेड़ आप सुनिश्चित कर लें कि इस पर टांगना है, उसके बाहर बाहरी घेरा बनाएं और उसके बाद उस यंत्र को वहाँ पर टांग दें। टांगने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि कोई आवाज़ लगाए, आपका नाम पुकारे, तो भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब तक आप वहाँ से ओझल ना हो जाए, वो यंत्र आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए, तब तक वहाँ पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये घातक भी हो सकता है। कई बार पीछे से आवाज़ आती है, कोई आपका नाम लेगा, कोई आपका बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई आपका परिचित है, वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकती हैं। तो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घर आकर स्नान करके चुपचाप प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।